अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और आप लोगों के लिए मेरी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं हमेशा से साथ हैं। उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं, सब के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ फोटा कलेजी। इसकी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। बड़े ही मज़ेदार से ये फोटा कलेजी बने थे और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएंगे बेहद। तो आ जाएं, अब हम शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने फोटे ले लिए थे, उनको जो है मैंने छोटे से पीस कर लिए थे, कट कर लिए थे, और उसको बॉयल होने के लिए मैंने एक पैन में पानी डाल के रख दिए। और दो पिंच जो है मैंने इसमें नमक के ऐड कर दिए थे, और मैंने दो बड़े साइज़ के टमाटर भी बीच में से कट करके इसमें रख दिए थे ताकि ये भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, फिर मैं इसको पील ऑफ कर लूँगी। तो उसको मैंने फिर कवर कर दिया था। और यहाँ कलेजी है और ये दिल है, ये भी मैंने वॉश कर ली है और दिल के दरमियान से भी मैंने कट लगा लिया है। तो इधर देखें, फोटे हमारे रेडी हो रहे हैं, ये पक रहे हैं। और दूसरे साइड जो है हम इसका अच्छा सा मसाला भून लेते हैं। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया, उसमें लहसुन अदरक डाल दिया और लाइट ब्राउन कर लिया मैंने। और 2 टेबल स्पून मैंने प्याज बारीक चॉप कर ली थी, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी है। और इन दोनों को मैं गोल्डन फ्राई कर लूँगी। फ्लेम मैंने लो रखी हुई है। और 2 टेबल स्पून मैंने क्रश की हुई हरी मिर्चों का भी लिया है, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। 1/2 किलो से ऊपर ये फोटा कलेजी थे, तकरीबन 3 पाव जितने थे। तो इसी हिसाब से इसकी जो है क्वांटिटी मैं रख रही हूँ सब मसालों की। और ये गोल्डन फ्राई हो चुका है लहसुन अदरक और प्याज। अब मैं इसमें कलेजी भी डाल दूँगी और ये दिल भी डाल दूँगी चिकन के। तो इनको भी मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी ताकि कलेजी में कोई स्मेल ना रहे और हरी मिर्चों का भी फ्लेवर इसमें आ जाएगा कलेजी में। तो इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। 4 से 5 मिनट तक मैंने फ्राई करना है ताकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। तो जी ये देखें, अच्छे से ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फोटो की भी क्या पोजीशन है। तो टमाटर जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं और उसको मैं पील ऑफ कर दूंगी और इसमें कलेजी में ऐड कर दूंगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, मैश कर लूँगी। फोटो के साथ साथ हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गए। और इसमें मैंने 1/2 कप जो है दही का ऐड किया है। और ये देखें, इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। हसबे ज़रूरत में इसमें नमक डालूँगी। और 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया है। 2 टीस्पून मैंने इसमें क्रश किया हुआ साबुत धनिया डाला है। 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाले का ऐड किया है। और 2 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड किया है। और 1/2 टीस्पून इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च का भी ऐड करूँगी। और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी का ऐड किया है। बड़ा ही अच्छा ये फोटा कलेजी मसाला बन जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह इसकी शक्ल। और इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी, इसकी भुनाई कर लूँगी। तो ये देखें, इसकी भुनाई भी हो चुकी है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। आप चाहें तो कलेजी के जो पीस हैं वो आप छोटे कर सकते हैं। और अब इसमें मैं फोटे भी ऐड कर दूंगी, वो तकरीबन गल चुके हैं। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी मैं और अच्छी सी इसकी भुनाई कर लूंगी। तो जब तक इसकी भुनाई कर रही हूँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ, अच्छी सी रेसिपी आपको दूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि आप लोगों के साथ ही मुझे चलना है। तो जी देखिए, अच्छे से कलेजी भुन चुकी है और अब इस मैं सूखी मेथी में ऐड कर दूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी।
तो फोटो के लिए जी बिल्कुल रेडी है, इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी कितना अच्छा है। तो अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, खाना मैं लगा दूँगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और रेसिपी भी अच्छी लगी होगी, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। खाने में मैंने आम भी काट के रख लिए थे। हम लोग अक्सर डिनर में गर्मियों में खाने के रात के खाने में ज़रूर आम काट के रखते हैं। और इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ, न्यू व्लॉग के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।